मसरूक इब्न अजदा फरमाते हैं कि मैंने कितने सहाबा की सोबत उठाई और फिर मैंने कैलकुलेट किया कि 6 आदमियों में तमाम सहाबा का इल्म मौजूद है। उबई बिन काब, माज बिन जबल, जैद बिन साबित, ठीक हो। और उमर बिन खत्ताब, अब्दुल्ला बिन मसूद, अली बिन अबी तालिब, मुहाजरीन। फिर फरमाया कि मैंने जब इन सब को, इन 6 को इकट्ठा किया तो मुझे 2 में नजर आया सारे सहाबा का इल्म, अब्दुल्ला बिन मसूद, अली बिन अबी तालिब। अगली बात मैं करता हूं अपने जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है सीरत को, कि इन दोनों में अगर वजन डाला जाए तो अली बिन अबी तालिब आला मुन्नास हैं बाद अल-अंबिया, सहाबा में सबसे ज्यादा इल्म वाले। एक लंबा जमाना मिला ना। वैसे तो अबू बकर सिद्दीक आलम बे मिजाज नबी थे, नबी के मिजाज को समझने वाले अबू बकर से बढ़कर कोई नहीं थे, लेकिन इल्म के मैदान में यतफज्जरुल इल्म मिन जवानिबिह व तंतकुल हिकमत मिन नवाहीह। देखो आदमी सफर से बहुत कुछ सीखता है। ये हदीस पढ़ी हुई थी अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औसाफ में ना, कि इल्म उनके रूएं रूएं से फूटता था, रूएं रूएं से। हम भी यही तर्जमा कर देते थे। और हिकमत ने उनका इहाता किया हुआ था। मैं गया गिलगित तो रास्ते में ना पहाड़ देखे जिनसे चश्मे फूट रहे थे, तो मैंने गाड़ी रुकवाई और मैं उनको ऐसे देखने लगा। फिर ये जुमला मेरे जहन में, यतफज्जरुल इल्म, इल्म को तशबीह दी चश्मे से, यतफज्जर। और अली को तशबीह दी पहाड़ से, चंद चश्मों से पहाड़ मुजैन था। तो मेरी गाड़ी रुक गई, मैंने कहा मुझे जरा देखने दो। मैं ऐसे करके देखा, मुझे कुदरती मनाजर से ना बड़ा बड़ा इश्क है, मैं गुम हो जाता हूँ उसमें। तो मुझे ये जुमला जेन में आया कि जब 15-20 चश्मों से ये पहाड़ इतना खूबसूरत है, अगर इस पहाड़ के हर पत्थर से चश्मा फूटे तो कितना खूबसूरत होगा। तो फिर मैंने इसको हज़रत अली अलैहिस्सलाम पे मुंतबिक किया कि अली वो पहाड़ हैं जिनके एक एक पत्थर से इल्म के चश्मे फूट रहे हैं।